बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंडेमिक ने हमारा पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको शेक करके रख दिया, और अभी हमें नई टेक्नोलॉजी की तरफ और नई मेथडोलॉजी की तरफ हमें शिफ्ट कर दिया। क्लासेस जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासेस थी वो आपको पता है ऑनलाइन चली गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आई है, और क्लासेस बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में खुल गई हैं। लेकिन अब हमारे लिए एक फ्यूचर का जो चैलेंज है, क्योंकि वो कोरोना की मुख्तलिफ वेरिएंट अभी एग्जिस्ट करती हैं, उसके लिए हमें फ्यूचर के लिए हमें अब स्ट्रेटजीज भी बनानी पड़ेंगी, अपने जो सिस्टम्स भी उसी तरह डिज़ाइन करने पड़ेंगे, अपने LMS भी उसी तरह डिज़ाइन करने, अपने इंडिजिनस बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके साथ साथ जो हमें वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा, और ब्लेंडेड टीचिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो वैसे भी जिस तरह की अब फ्यूचर के अंदर फोरकास्टिंग है, तो हमें जो रेजिमेंटेशन है और जिस तरह हमारा ट्रेडिशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन सेटअप है कि बच्चे स्कूलों में आते हैं और गैदरिंग होती है, और उस तरह एक रूटीन हमारी बनी हुई थी, वो शायद हमें वो चेंज करनी पड़े फ्यूचर के अंदर। और उसमें पेरेंट्स को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, और होम लर्निंग की भी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो जिस तरह मैंने कहा हमें ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा, उसकी हमें ज़रूरत है। प्लस ये है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसके साथ हमें इनकलकेट करना पड़ेगा, और इन सारी बातों के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर्स जिन्होंने पढ़ाना है उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरत है, उनकी ओरिएंटेशन बड़ी ज़रूरत है, पहले तो वो एक्सेप्टेंस और फिर उनकी ट्रेनिंग, ताकि वो हमारा जो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इसके अंदर वो अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू वेरी मच।